नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और सभी को मेरी तरफ से राम राम। जम्मू कश्मीर की प्रमुख खबरों की अगर हम बात करें तो इस समय जो गाइडलाइंस हैं वो कोरोना की फ़िलहाल उसी तरह से सभी चल रही हैं और अभी भी जितने भी स्कूल हैं उसमें सिर्फ 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी स्कूल फ़िलहाल बंद हैं। 10वीं और 12वीं के अंदर भी कंसेंट के साथ ही स्कूलों में जाना है। 10वीं में आपका RT-PCR और रैपिड टेस्ट के बाद ही आपको दाखिला मिलेगा क्लास में जाने का, और 12वीं के अंदर अगर आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं तभी आपको स्कूल में जाना है। इसके अलावा स्टाफ अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो उनको नहीं जाना है, और वैक्सीनेटेड अगर है तभी उनको जाना है। इसके अलावा जो 1ली से लेकर 9वीं कक्षा और 11वीं कक्षा, ये सभी स्कूल अभी फ़िलहाल बंद हैं जब तक फर्दर ऑर्डर नहीं आते। इसके अलावा जम्मू के अंदर जो सिनेमा घर हैं वो भी 25% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुल चुके हैं। वह इसके साथ साथ स्विमिंग पूल्स को भी खुलने का पूरा जो है अब इजाज़त है। इसके अलावा हमारे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के कोचिंग सेंटर्स हैं सिर्फ वही खुल सकते हैं, बाकी जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं अभी वो फ़िलहाल बंद हैं। इसके साथ साथ जो बाकी गाइडलाइंस हैं वो अपने तरीके से चल रही हैं। जो इंडोर और आउटडोर फंक्शंस हैं, शादी ब्याह के फंक्शंस, उसमें 250 लोगों की परमिशन है। अगर किसी भी जगह पर अगर केसेस 250 से ज़्यादा होते हैं तो वो परमिशन जो है फिर वापस 25 से 50 के बीच में आ जाती है। जो DC आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के होंगे वो खुद ब खुद इस चीज़ का ऑर्डर निकालेंगे। इसके अलावा किसी तरह का कोई वीकेंड कर्फ्यू नहीं है, और बाकी जो दुकानें हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर जो है रात के 10 बजे तक उनको खुलने की इजाज़त है। ये अभी तक की गाइडलाइंस हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्कूलों का क्या अभी तक है। तो अभी तक स्कूलों का कोई भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अभी तक स्कूल जो हैं फ़िलहाल बंद रहेंगे, और जब अगर आने वाले दिनों में कोई फर्दर अपडेट आता है तो स्कूलों का खुलने का हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक स्कूल जो हैं 10वीं और 12वीं के ही खुले हैं, वो भी अगर आपके पेरेंट्स जो हैं आपको कंसेंट देते हैं तभी आपको जाना है। अगर आपके पास अगर आपके स्कूल के लिए आपके परिवार के लोग कंसेंट नहीं देते तो आपको नहीं जाना है। तो बिना कंसेंट के आप ना जाएं। अगर आपको स्कूल के लोग बिना कंसेंट के आपको बुलाते हैं ज़बरदस्ती, तो आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी जो है कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर बाकी क्लासेस 1ली से लेकर 9वीं तक और 11वीं क्लास के बच्चों को बुलाने की कोशिश अगर स्कूल करता है तो आपको स्कूल में नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। और अगर स्कूल इस तरह की कोशिश कर रहा है तो आप डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन पे अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। ये अब तक का अपडेट है, और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई सभी खबरों से हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ आशीष कोहली लिखना है। सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। आपको इन वीडियोस में अगर आप कुछ और चीज़ें भी ऐड करवाना चाहते हैं किसी भी इलाके को लेकर, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को राम राम।